आज हम एक नए मॉडल पे काम करेंगे और इस मॉडल का नाम है यूएफओ मॉडल। तो आप लोगों ने यूएफओ सुना होगा, आकाश में, स्काई में आप लोगों ने यूएफओ देखे हैं, पर आज इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो आप देख सकते हो ये कैसा मॉडल है। यहाँ पर ये लेग है इसकी और ये इसकी बॉडी है। इसको कैसे बनाना है ये देखते हैं। सबसे पहले आपको एक नई फाइल लेनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से प्रिमिटिव मेनू से बेसिक शेप्स में सबसे पहले बॉडी बनाने के लिए ये हेमिस्फीयर को क्लिक करेंगे और ये हेमिस्फीयर हमारे पास आ गया है। तो इस हेमिस्फीयर को फिर से क्लिक करना है आपको। स्मार्ट स्केल टूल में जाना है, ये आपको करना है 20 और यहाँ पर होगा 90। इसकी जो वेट है ये भी आपकी 90 होगी और इसकी जो हाइट है अगेन ये भी 90 इसको करना है। ग्रीन बटन को क्लिक कर सकते हैं। इसकी मेजरमेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मेजरमेंट लिखी हुई है। तो ये हेमिस्फीयर अभी हमने बनाया है, उसका साइज 90 90 90 है। अब आपको क्या करना है, इसको हॉलो करना है। तो हम ग्रिड को ऑफ कर लेते हैं, जो नीचे ग्रिड दिख रही थी। होम बटन को एक बार क्लिक करके रखना है, माउस का राइट बटन क्लिक एंड होल्ड करना है और रोटेट करना है थोड़ा सा। नीचे स्पेस बनाना है, स्पेस क्रिएट करना, हॉलो करना है आपके मॉडल को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मॉडल को सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके। उसके बाद जो ये फ्लैट सरफेस आ रहा है इसके ऊपर आके क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप देखोगे एक आइकन मिल रहा है। इस आइकन में आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा सेल का, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेल करोगे अंदर देखो एक स्पेस क्रिएट हो गया है और इस सेल की वैल्यू आपको रखना है 1.2 और यहाँ बाहर एंटर कर देना है, क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ पर आप जो सेल आपने लगाया है आप लिख सकते हो सेल टूल। सेल टूल जब आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू करनी है 1.2। तो हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक प्लेट लगानी है। तो हमें क्या चाहिए होगा, एक सिलेंडर चाहिए होगा। तो हम फिर से जाएंगे ऊपर और एक सिलेंडर यहाँ से लाना है और ये सिलेंडर कहीं पर क्लिक कर लेते हैं पास में। सिलेंडर को सिलेक्ट करना है, स्मार्ट स्केल टूल लेना है और इसका जो साइज़ है, जो डायमेंशन है वो भी हम करते हैं। ये करना है 90, जो भी हेमिस्फीयर में रखा था वही रखना है 90। बस इसकी हाइट जो है वो आपको 2 करनी है, ये याद रखना है और क्लिक कर देंगे। तो हमारा एक मॉडल और रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसके चारों ओर लगाने के लिए एक टॉरस भी हमें चाहिए होगा। तो हम टॉरस भी लेंगे। तो आपको बेसिक शेप में जाना है, लेकिन इससे पहले एक काम और कर लेते हैं। इसका जो मेज़रमेंट है वो आपको हमें देना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेंडर। तो सिलेंडर का जो मेज़रमेंट हमने आपको दिया वो है 90 बाई 90 बाई 2। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें हम टॉरस बनाने वाले हैं। तो टॉरस का साइज़, जब हम टॉरस लेंगे ध्यान रखना, यहाँ पर मेजर रेडियस मिलेगा जिसको 50 करना है और माइनर रेडियस मिलेगा जिसको 10 करना है। तो देखो कैसे करना है, आप बेसिक प्रिमिटिव में जाएंगे और यहाँ पर आपको देखो कि टॉरस शेप मिलेगा, आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको सेकेंड क्लिक नहीं करना है। आप देखो कि यहाँ पर दो वैल्यू आ रही हैं, तो आप ये जहाँ 10 वैल्यू आ रही है यहाँ पर पॉइंटर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करना है 50। उसके बाद अपने माउस के पॉइंटर को यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर करना है 10। जब ये हो जाएगा अब आप टॉरस को क्लिक कर सकते हो। आपका टॉरस यहाँ पर आ चुका है, पर प्रॉब्लम ये सारे मॉडल अलग अलग पड़े हुए हैं। तो इनको हमें क्या करना है, एक साथ एक सिस्टेमेटिक वे में अरेंज करना है। तो हम ऐसा ड्रैग करेंगे और ड्रैग करेंगे, जब तक ये सारे मॉडल इस ड्रैग सिलेक्शन के अंदर नहीं आएंगे तब तक ड्रैग करना और ऐसा करके छोड़ना है। सारे मॉडल सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको ऊपर जाना है। देखो ट्रांसफॉर्म मेनू में सेकेंड आइकन आएगा अलाइन टूल का, क्लिक करना है। आपको देखना है ये वर्टिकली जो 3 सर्कल आ रहे हैं इसमें सेंटर का सिलेक्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर जो हॉरिजेंटल ये 3 सर्कल आ रहे हैं इसमें सेंटर वाले सर्कल पर क्लिक करना है।
उसके बाद जो ये डेप्थ वाले तीन सर्कल आ रहे हैं तो इसमें भी सेंटर वाले सर्कल पे क्लिक करना है और ग्रीन बटन को क्लिक कर लेना है। आप होम बटन को क्लिक करोगे और माउस के राइट बटन से आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अपने ओरिजिनल स्पेस पर फिट हो गई हैं। अब आपको एक काम करना है, इसमें लेग और लगाने हैं। तो लेग लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कोन यूज़ करना है फॉर लेग के लिए, और कोन का साइज़ होता है 20x20x20, जो कि डिफ़ॉल्ट साइज़ है। कोई भी मॉडल जब आप यहाँ से लेते हो तो डिफ़ॉल्ट साइज़ सबका 20x20x20 होना है हो रहता है। तो आपको ये साइज़ चेंज नहीं करना, आपको यहाँ से कोन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर बेस सॉरी सेंटर में आके बिल्कुल आपको प्लेस कर लेना है। आप फिर से कोन सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल लेना है आपको, ये लेफ्ट राइट एरो आपको यूज़ करना है और इस कोन को बिल्कुल बॉर्डर पर लेके आना है टॉरस के। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये अपोजिट आ रहा है, रिवर्स आ रहा है, तो आप एक ये सर्कल यूज़ करके इसको रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर 180 आपको वापस करना है और बाहर क्लिक करोगे, देखो आपका जो लेग है वो यहाँ पर परफेक्टली आ गए हैं। प्रॉब्लम ये है इस लेग में स्पेस नहीं है, हॉलो करना है इसको। तो आपने जैसे हेमिस्फीयर को हॉलो किया था, तो आप इस मॉडल को पहले क्लिक करोगे, उसके बाद इसका जो फ्लैट सरफेस है इसके ऊपर क्लिक करना है और जो आइकन आ रहा है इसमें थर्ड आइकन आपको क्लिक कर लेना है। देखिए सेल आपको लगानी है, तो सेल हमेशा 1.2 की लगती है और आपको बाहर क्लिक कर लेना है। होम बटन को क्लिक करना है आपको और माउस के राइट बटन से रोटेट करके आप देखोगे तो इस तरह से आपका ये लेग एक लग चुका है। अब आपको इसकी राउंड में कॉपी करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, देखिए एक ऑप्शन मिलेगा सर्कुलर पैटर्न का, क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ये कोन सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ये एक्सिस पे क्लिक करना है। ध्यान रखना अब आपको ये टॉरस सिलेक्ट करना है। तो जैसे आपने टॉरस को सिलेक्ट किया, आप यहाँ पर देखोगे ये तीन वैल्यू में इसने कॉपी बना दी, पर हमें टोटल वैल्यू चाहिए 7, तो आप यहाँ से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। तो देखिए 7 बार को क्लिक करना है और आपका यूएफओ रेडी हो गया है। होम बटन को क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से दिख रहा है कुछ यूएफओ। अब आपके पास एक काम और रह गया है, इस लेग को किसी भी लेग को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी एंड वी कॉपी कर सकते हैं और इस लेग को बिल्कुल सेंटर में ला के छोड़ देना है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी लेग सेंटर में आएगी उसका जो मेजरमेंट है स्मार्ट स्केल टूल से हमें करना है जस्ट डबल, जैसे ये 20 वैल्यू है तो हम इसको 40 करेंगे, फिर यहाँ पर भी 20 है इसको भी हमें 40 करना है, और देखिए ये भी 20 है तो इसको भी 40 करना है। जितनी भी मेजरमेंट आपको मिलेंगी और ग्रीन बटन को क्लिक कर लेना है और इस तरह से हमारा जो मॉडल है वो यूएफओ का मॉडल रेडी हो चुका है। तो अब इसको कलर करना है आपको, तो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी कलर आपको अच्छा लगता है। कलर करने के लिए देखिए यहाँ पर मटेरियल नाम की एक आइकन आ रहा है, क्लिक करेंगे इस आइकन को और इसको हम साइड में प्लेस कर लेते हैं। एंड यहाँ पर देखिए अप्लाई ओवरले हैं, इसको आपको ऑन करना होगा, अदरवाइज जो भी कलर सिलेक्ट करोगे इस व्हील से वो अप्लाई नहीं होगा। तो आप देख सकते हो इसका मेन बॉडी पार्ट है हेमिस्फीयर का, इसको हम ग्रीन बनाने वाले हैं, थोड़ा सा और डार्क ग्रीन। एंड जो इसकी जो टॉरस है, टॉरस को हम वाइट में कलर देने वाले हैं। हाँ इसकी जो लेग है टोटल, इस लेग को हम वाइट कलर कर सकते हैं, या आपको और कोई कलर अच्छा लगता है तो आप वो कलर भी दे सकते हैं। सेंटर वाली जो लेग है इसको हम कलर थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले हैं। तो हमारे पास में एक यूएफओ का मॉडल रेडी हो चुका है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसको आप बना लेना, यहाँ पर सारी मेजरमेंट या डायमेंशन हमने आपको लिख कर दे दिए हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपको ये मॉडल बनाना है, हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।